आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए कुट्टू के आटे और कच्चे आलू के पकौड़े। अगर आप व्रत में एक ही रेसिपी खाकर बोर हो गए हैं तो यह पकौड़े जरूर ट्राई कीजिए। इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने दो थोड़े बड़े आलू लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। अब इन्हें कद्दूकस कर लेंगे और पानी में डालकर अच्छे से वाश कर लेंगे। इसे स्ट्रेनर में रखकर पानी से अच्छे से वाश करेंगे, जिससे आलू में जो स्टार्च है निकल जाए। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें अदरक हरी मिर्च दरदरा पीस कर डाल देंगे, एक चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे, आधा कप बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कुट्टू का आटा डालकर मिक्स करेंगे। आप चाहें तो सिंघाड़े का आटा या फिर राजगीरे का आटा भी डाल सकते हैं। ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम भजिया के लिए बैटर बनाते हैं वैसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बना लेना है। इधर गैस पर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो जो भी तेल आप व्रत में खाते हैं उस तेल में आप इसे बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तब हम छोटे छोटे पकौड़े घी में डाल देंगे। और जब यह एक साइड से ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें पलट देंगे और पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना पकौड़े बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम पकौड़े मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेना है। तो अभी हमारे टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार व्रत वाले कुट्टू के आटे और आलू के पकौड़े रेडी हैं। इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप भी व्रत में बहुत ही जल्दी बनने वाली पकौड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इंजॉय कीजिए।